हेलो फ्रेंड्स आई एम शौर्य मिश्रा वेलकम यू टू योर ओन यूट्यूब चैनल विजन केयर एडवाइजर फ्रेंड्स आई हैव कम विद एन क्यू बैंक सीरीज, क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव है एनॉमली ऑफ विजन, इन बाइना इमेजेस आर अनइक्वल इन साइज शेप और बोथ तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा बाइनाक्युलर विजन एनामली जिसमें अक्यर इमेजेस का साइज अनिकवल है या शेप अनिक्वल है या फिर दोनों शेप और साइज दोनों ही अनिकवल हो सकते हैं सो लेट सी द ऑप्शन ऑप्शन ए एस्थिनोपिया ऑप्शन बी अमेट्रोपिया ऑप्शन सी एनाइसोमेट्रोपिया एंड ऑप्शन डी एनाइसिकोनिया तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि एनाइसोकोनिया इसका आंसर ऑप्शन डी है तो ऑप्शन डी ही क्यों है अदर ऑप्शन भी क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं तो ऑप्शन ए है एस्थिनोपिया एस्थिनोपिया ऑफ में एक ऐसा टेक्निकल नेम है जो आई स्ट्रेन या आई फटिक को डिनोट करता है यानी अगर किसी पेशेंट को हेडक इचिंग वाटरिंग इरिटेशन टायर्डनेस ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं तो इसे एस्थिनोपिक सिम्टम्स कहते हैं तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर सो कम टू द ऑप्शन बी एमेट्रोपिया सो आई का एक ऐसा कंडीशन जिसमें पैरल रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से जब लाइट आती है तो वह लाइट रेटिना पे फोकस ना हो करके रेटिना के फ्रंट या रेटिना के बिहाइंड अगर फोकस होती है जब एट रेस्ट पर हो तो उस कंडीशन को हम एमेट्रोपिया कहते हैं एमेट्रोपिया में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और एस्टिग्मेटिज्म कंसीडर किया जाता है ओके ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट आंसर सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन एनाइसोमेट्रोपिया तो जब टोटल रिफ्रेक्टिव पावर ऑफ बोथ आइज अन एक होता है मोर देन टू पॉइंट फाइव डाप्टर तो इस कंडीशन को हम एनाइसोमेट्रोपिया कहते हैं टोटल डिफरेंस यानी एक आंख में जस्ट इमेजिन माइनस वन पावर है और दूसरी आंख में माइनस फोर पावर है तो दोनों आइज के रिफ्रेक्टिव एरर में जो डिफरेंसेस है वो माइनस थ्री का डिफरेंस हो गया तो इस कंडीशन को हम में ट्रोपिया कहते हैं एक डॉप्टर पावर में टू परसेंट का या तो मिनीफिकेशन होगा या मैग्निफिकेशन होगा ओके यानी अगर टू पॉइंट फाइव डाप्टर का डिफरेंस आ रहा है तो इसमें फाइव परसेंट का मिनिफिकेशन या मैग्निफिकेशन हो सकता है तो अगर फाइव परसेंट का इमेज का मिनिफिकेशन या मैग्निफिकेशन होता है तो इस डिफरेंस को हम एनाइसोमेट्रोपिया कंसीडर करते हैं सो ऑप्शन सी भी करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि इसमें अनइक्वल साइज शेप जो रेटिना पे फॉर्म हो रहा है उसके बारे में पूछा गया है ना कि पावर के बारे में पूछा गया है ओके सो लेट्स नो द डी ऑप्शन एनआईसी कोनिया सोआई का एक ऐसा कंडीशन जब लाइट रेज रेटिना पे फॉर्म होती है और इमेज जो हम देख रहे हैं और ये रेटिनल इमेज विजुअल कॉर्टेक्स पे प्रोजेक्ट होते हैं सो तो रेटिना एक तरह से प्रोजेक्टर का वर्क करता है तो जब विजुअल कॉर्टेक्स पे इमेज फॉर्म होते हैं सो तो उनका जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका साइज और शेप अगर अनइक्वल है तो इस कंडीशन को हम एनआईसी कोनिया करते हैं सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर thank you for watching stay tuned for more updates please don't forget to get check your eyes yearly and see the world clearly